अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मानी मुंजाल। मैं इस टाइम नहा धो के बिल्कुल रेडियो के कैदबाद की तरफ जा रहा हूँ। मैं रिक्शे पे बैठ गया था और इस टाइम मैं अपने कैदबाद के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। मेन बाज़ार से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज जी नहीं भाई, ये सब्ज़ी मंडी नहीं कैदबाद का मेन बाज़ार है, लेकिन ये हर टाइम सब्ज़ी मंडी ही बना हुआ होता है, कुछ पता नहीं चलता था। ये जी मैं इस टाइम शॉप पर पहुँच चुका हूँ, वसीम भाई लगे हुए हैं काम पर, तो मैं आके इनके पास ही खड़ा हो गया था। इनके पास आए हुए मैंने इनका दिमाग खाना शुरू कर दिया और उनको बता रहा था कि कल ये हुआ, कल ये हुआ, कल ये हुआ। वो अपने काम में लगे हुए थे, इतने अपने काम में मशगूल थे कि उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी। आप देख सकते हैं कि वो अपने काम में ही लगे हुए थे। ये कुछ स्टॉक आया था सर्दियों का, वो हमने डिस्प्ले करना था, वो कर रहे थे। थोड़ी देर गुजरने के बाद आपके भाई को एक और काम पड़ गया, फिर मैंने बाइक निकाली और बाज़ार की तरफ रवाना हो गया। ये आप देख सकते हैं कि दोबारा मैं सब्ज़ी मंडी कैदबाद के मेन बाज़ार से गुजर रहा हूँ, मेन चौक से गुजर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, खुला है, लेकिन इन रेडियो की वजह से ये भी तंग पड़ गया है। उसके बाद मैं पहुँचा जी न्याजी अड्डे पर, यहाँ पर मैंने एक बंदे का नंबर लेना था, फिर मैं वापस अपने कैदबाद के मेन अड्डे से गुजर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे कैदबाद का मेन अड्डा कितना ज़्यादा खुला और प्यारा है। अभी रोड बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मैं फिर पहुँचा अलफला बैंक पर, जहाँ से निकलवाने थे कुछ पैसे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत थे। ये आप देख सकते हैं कि कार्ड मेरे हाथ में है, ये किसका है, क्यों है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैंने एटीएम मशीन के अंदर कार्ड डाल दिया है। थोड़ी बहुत इसको पंगे देने के बाद ये देख सकते हैं कि आप मैंने कार्ड वापस ले लिया है और पैसे मेरे हाथ में आ चुके हैं। उस बंदे को कोई धोखा दे नहीं सकता जो एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने के बाद गिनती भी करता है। फिर मैं आ चुका हूँ दोबारा अपनी शॉप पर। ये आप देख सकते हैं कि सारे फिलहाल बिल्कुल वेले बैठे थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। अभी जी हमारे मुजम्मल भाई दोबारा आ गए हैं और ये फिर अपने वो पैसों वाला संदूकचा लेके बैठे हुए हैं, इसमें से गिनती कर रहे हैं। ये शेख साहब बैठे हैं, ये मुजम्मल भाई बैठे हैं। जितनी देर में हम गपशप कर रहे हैं, इतनी देर में आप एक छोटा सा लाइक कर दें वीडियो को और मेरे पेज को फॉलो भी कर दें। हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गपशप की है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तंग किया है, क्योंकि हम अगर एक दूसरे को तंग ना करें तो हमारा दिन नहीं गुजरता, और बिल्कुल अगर मुँह बनाए रखें तो फिर भी दिन नहीं गुजरता। इसलिए छोटी मोटी गपशप होती रहती है, नोक चोक होती रहती है। कुछ देर गुजरने के बाद जी हमें भूख लग गई, मैं साथ वाली रेडी पे गया, वहाँ पे मैंने कहा कि चलो कुछ खाते हैं, भाइयों को भी कुछ खिलाते हैं। ये मैंने अपने लिए और भाई मुजम्मल और शेख साहब के लिए पापड़ी ली, और शेख साहब ने कहा मैंने तो खजूर खानी है, हमने कहा चलो ठीक है। ये मैंने मुजम्मल का हिस्सा उसको दे दिया और इसका हिस्सा इसको दे दिया। उसके बाद मैंने अपना हिस्सा भी मुजम्मल से वापस लेके शेख को दिया, तुम खाओ, और वो खुशी से नाचने लग गया, लेकिन मैंने उसको दिया नहीं, मैं खुद खाने लग गया। पापड़ी बहुत मज़े की थी। उसके बाद ये हमारे भाई खान साहब आ गए, मैंने कहा चलो इसको भी वीडियो में ले आते हैं, बहुत मज़ा आया इनसे गपशप करके। थोड़ी देर बाद जी भाई मदर और हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त अदीन भाई आए, जो कि एक मुर्गा उठा के फिर रहे थे। मैंने कहा इसको लाओ हलाल करते हैं, खाते हैं। वो हंसने लगे, कहते नहीं भाई कुछ और है जी। उसके बाद मैं रोटियां लेने चला गया, रोटी खाने का टाइम हो गया था जी। मैं खाना लेके वापस आ चुका हूँ, हम अपनी शॉप पर ही पीछे बैठ के खाना खाते हैं। खाने में आज सालन तो नहीं था, मैंने ये टिक्के करवाए और साथ में रोटी थी, और शेख साहब चटनी को पहले ही खाने लग गए, लेकिन वो उनसे खुल नहीं रही थी। मैंने कहा चलो इतनी देर में मैं अपना पसीना सुखा लेता हूँ। खाने के बाद सबसे पहला काम होता है नमाज अदा करने का। मैंने ज़ोर की नमाज अदा की, नमाज अदा करके आ ही रहा था तो मुझे सनी साहब मिल गए, कहते हैं जनाब आप मिलते नहीं। मैंने कहा चलो जी जब फिटा लो और एक लाइक भी करो। उसके बाद हमने गपशप की, फिर मैं चला गया अपनी शॉप पे। जब मैं शॉप पे आई था तो मेरे लिए भाई ने चाय मंगवा ली थी, चाय बहुत ज़्यादा मज़े की थी, मीठी थी, इसलिए आप भी एक मीठा सा लाइक कर दें। चाय को मैंने बड़ा मज़े से आराम आराम से रगड़ा दिया। उसके बाद जी हाफिज़ साहब आ गए, क्योंकि आज जुमेरात है, जुमेरात वाले दिन हम दुकान में सूरह यासीन की तिलावत करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हाफिज़ आ गए, भाई ने मुझे कहा कि तुम इनके पास बैठो क्योंकि ये बच्चे हैं, और बाद में इन्होंने नात पढ़ी, वो आप मुलाहिज़ा फरमाइए। उम्र के आने
से कुफरे पर जो सवाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्रे बे मिसाल आया कमाल आया। इलावा तो नॉर्थ खान के बाद बच्चे कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं तो हमें भी वीडियो में लेके आओ। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, ताबेदार जैसे आपका हुक्म। उसके बाद जी हम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए गोलगप्पे लेके आए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जी आज हमने गोलगप्पे खाने हैं। तो हमने सोचा ठीक है जी, गोलगप्पे खा लेते हैं, जैसे आपका हुक्म वैसे हम कर लेंगे। बच्चों ने गोलगप्पों को ठीक ठाक रगड़ा लगाया। बच्चा इनका बाहर था, वो उसका वेट कर रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शाम होने वाली है, मगरिब की अजान होने वाली है। अभी मैं जाऊँगा नमाज पे, उसके बाद ये देखते हैं क्या रूटीन होगी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।